अब सबसे डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि 2013 में जब इसी डिपार्टमेंट ने कल्चर डिपार्टमेंट जो इसने रेफर वैकेंसियां की थी तब बीलिस और एमलिस एलिजिबिलिटी जो एक फाइन एलिजिबिलिटी थी। अब 2021 में देखिए वो डिपार्टमेंट कितना बैग चला गया है, वो उसको कौन संभाल रहे हैं वहां पे कि उन्होंने अब सीरियस लाया है। सिलेक्शन लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे 4 महीने से, एक हफ्ता पहले एसएसआरबी ने नोटिफिकेशन निकाली कि हमें सीरियस वाले सेट कैंडिडेट्स चाहिए। आप खुद देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको सीरियस वाले कैंडिडेट मिले नहीं क्योंकि ऑब्सोलीट डिग्री है, अब आप मुझे बताइए कौन सी बेस्ट इंटरेस्ट है आपके ब्रेन में कि आप नहीं बता रहे कि हम इनको नहीं छोड़ने वाले, हमें सीरियस वाले चाहिए। मेरा नाम मीर शाकिर अफजल है, हम लाइब्रेरी प्रोफेशन से सारे कैंडिडेट्स हैं। हमारे प्रोटेस्ट का ये मकसद है कि हमारा एग्ज़ाम हो गया था, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ आर डन, जूनियर लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन पोस्ट है, तो अब 4-5 महीने हो गए हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ को, हम ये एसएसआरबी ऑफिस जाते थे कि हमारा लिस्ट कब आएगा। सो अनफॉर्चुनेटली अ वीक अगो वी केम टू नो दैट कि दे आर डिमांडिंग सम ऑब्सोलीट डिग्रीज विच इज सीरियस, तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये ऑब्सोलीट की जा चुकी है तो ये की जाए, और हम जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं इरेस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन वेदर दे हैव बीलिस एमलिस और एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, उनको मौका दिया जाएगा। इफ दे हैव डन द पेपर वेरी गुड, इफ दे हैव सिक्योर्ड अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इट क्लियरली मीन्स दैट दे आर डिजायरेबल फॉर द जॉब, दे नीड टू बी गिवन अ चांस। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई मस्ट कम्युनिकेट दिस थिंग कि 89 के रोल जो है वो आप हम पे मत थोपिए, हमारा फ्यूचर मत खराब कीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल कंसर्न अथॉरिटीज वेदर दैट इज जेडी एआरआई इंडेंटिंग डिपार्टमेंट जो भी वैकेंसियां रेफर करती हैं, हम सबको गुजारिश करते हैं कि अगर ये जो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग हमारी दो हैं यूटी जम्मू कश्मीर में, जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी, जब वो ये उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है बाजार कि सीरियस एक ऑब्सोलीट डिग्री है, व्हाई यू आर गिविंग सच इनएविटेबल कंडीशंस टू एक्सक्यूज कि आप ये चीज़ें लेके आ रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एक इंडेंट है नोटिफिकेशन में वहाँ पे मेंशन बाज़ाबता किया गया था कि अगर ये डिग्रीज ऑब्सोलीट थी तो इनकी रेलेवेंट जो डिग्री है जो उनको हम इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं अगर वो ज़रूरत पड़ी तो आप वो लीजिए, वो भी हमने इंडेंटिंग डिपार्टमेंट से करवाई, उन्होंने वो मेंशन की, लेकिन फिर भी एसएसआरबी इन चीज़ों को कंसल्ट नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, आप सबसे डिसअपॉइंटमेंट की बात ये है कि 2013 में जब इसी डिपार्टमेंट ने कल्चर डिपार्टमेंट जो इसने रेफर वैकेंसियां की थी तब बीलिस और एमलिस एलिजिबिलिटी जो एक फाइन एलिजिबिलिटी थी, अब 2021 में देखिए वो डिपार्टमेंट कितना बैग चला गया है, वो उसको कौन संभाल रहे हैं वहाँ पे कि उन्होंने अब सीरियस लाया है क्योंकि एक ऑब्सोलीट डिग्री है। सो इन नटशेल जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने एग्जाम टॉप किया है, दे शुड बी गिवन चांस एज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, नॉट द आउटडेटेड डिग्री। ये हमारी दोनों डिवीजन में ऑलमोस्ट 50 पोस्ट थी तो इनके लिए बाजार एग्जाम हो गया, एज आई टोल्ड यू एवरीथिंग हैज बीन डन, जो फॉर्मल होता है। हम अब सिलेक्शन लिस्ट के लिए वेट कर रहे थे 4 महीने से, एक हफ्ता पहले एसएसआरबी ने नोटिफिकेशन निकाली कि हमें सीरियस वाले कैंडिडेट्स चाहिए। ठीक है, आप खुद देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको सीरियस वाले कैंडिडेट मिले नहीं क्योंकि ऑब्सोलीट डिग्री है, अब आप मुझे बताइए कौन सी बेस्ट इंटरेस्ट है आपके ब्रेन में कि आप नहीं बता रहे कि हम इनको नहीं छोड़ने वाले, हमें सीरियस वाले चाहिए। आप मुझे बताइए उस डिपार्टमेंट का क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन हब का क्या होगा प्रेजेंट मोबाइल सोसाइटीज में जहाँ पे आप लो प्रोफेशनल पीपल को एक्सट्रीम पावर दे रहे हैं देन द हाई सिक्योरिटी, एंड इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग ऑफ द वैली, जम्मू यूनिवर्सिटी, इवन जम्मू यूनिवर्सिटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी।